नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 9 फरवरी दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इन एजेंडों पर लगी मुहर। कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी सीजीएल 2022 के रिक्तियों के लिए जारी की सूचना। बीपीएससी 68वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा देने से पहले जान ले ये बातें। रेपो रेट में की बढ़ोतरी, लोन किस्त हुआ महंगा। आईसीसी रैंकिंग में भारत के इस क्रिकेटर ने लगाई लंबी छलांग। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इन एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिसमें राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रति विद्यालय एक कंप्यूटर शिक्षक की दर से 7,360 उच्च माध्यमिक कंप्यूटर शिक्षकों के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा NIDJAM प्रतियोगिता के लिए 6 करोड़ रूपए अग्रिम स्वीकृति दी गई है। पटना मेट्रो रेल परियोजना का स्टेशन निर्माण एवं अलाइनमेंट के लिए राज्य सरकार की भूमि को नगर विकास एवं आवास विभाग को स्कूल हस्तांतरण किया गया है। बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों के शिक्षकों की गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत PhD एवं MTech में नामांकन के लिए अनुमति एवं अवकाश की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही बीते दिन कई अन्य एजेंडों पर भी मुहर लगाई गई। कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी सीजीएल 2022 के रिक्तियों के लिए जारी की सूचना। कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एसएससी सीजीएल 2022 के रिक्तियों के लिए सूचना वेबसाइट पर जारी की गई, जिसमें यह पाया गया है कि इसमें 37,409 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जो आज तक कभी भी एसएससी के इतिहास में नहीं किया गया है। बता दें कि इसकी Tier 1 की परीक्षा ली जा चुकी है और किसी भी दिन इसका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार Tier 2 की परीक्षा 2 से 7 मार्च तक आयोजित की जाएगी। मालूम हो कि पहले सितंबर में 20,000 पदों पर भर्ती की संभावना जताई गई थी, लेकिन अब जब केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से रिक्त पदों की सूचना मिली है, उसके आधार पर अब 20,000 रिक्त पद बढ़कर 37,409 हो गई है। मालूम हो कि आमतौर पर CGL में 8 से 9 हजार पदों पर ही भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाती है, लेकिन इस बार के रिक्त पद सभी रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे विनित कुमार के बारे में। विनित कुमार का जन्म आज ही के दिन 1957 को हुआ था। यह एक भारतीय फिल्म अभिनेता, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के दिग्गज अभिनेता, हिंदी, अंग्रेजी और तेलुगु भाषा की फिल्मों और टेलीविजन में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्हें मशान, द्रोहकाल, कच्चे धागे, अक्स, ये दिल, सोच और सूल जैसी फिल्मों में अनेक काम के लिए जाना जाता है। उनके हॉलीवुड कार्यों में लिन कोलिंस के साथ रिटर्न टू राजापुर, भोपाल, बारिश के लिए प्रार्थना, मार्टिनसन और मिशा बार्टन के साथ वह कई तेलुगु, तमिल और भोजपुरी फिल्मों में भी दिखाई दिए हैं। उन्हें तेलुगु फिल्म विक्रमकुड्डू में उनके काम के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। विनित कुमार को 2016 में 16वें भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार में जाना ना दिल से दूर के लिए नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। देश के 112 आकांक्षी जिलों में टॉप 5 में बिहार के 2 जिले। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में नीति आयोग के द्वारा देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की गई, जिसमें देश के 5 सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बिहार के 2 जिलों का भी नाम शामिल है। बता दें कि बिहार के जिन 2 जिलों को टॉप 5 में शामिल किया गया है वह बांका और कटिहार है, जो पहले और दूसरे स्थान पर है। जानकारी के लिए बता दें कि आयोग के द्वारा यह रिपोर्ट जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा करने के लिए जारी की जाती है। मालूम हो कि आयोग के द्वारा जारी की गई देश के 112 आकांक्षी जिलों में बिहार राज्य के 13 जिलों के नाम शामिल है, जिन्हें स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय स्थिति और आधारभूत संरचना जैसी प्रमुख क्षेत्रों को विकसित करने के लिए विशेष सहायता मिली है। इन 13 जिलों में कटिहार, बेगूसराय, शेखपुरा, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और नवादा के नाम शामिल है। अब बिहार के गया से भी इन सुविधाओं के साथ करें हज यात्रा। बिहार राज्य हज समिति के अध्यक्ष अलहाज अब्दुल हक के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा एक नई पॉलिसी की घोषणा की गई है, जिसके तहत हाजी गया से भी हज यात्रा कर सकेंगे। इसके साथ ही अब हज यात्रा के लिए नई पॉलिसी के तहत आयु सीमा को भी खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही कई अन्य बदलाव भी हाजियों के लिए किए गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस बार हज यात्रा केवल 30 से 40 दिनों की अवधि के लिए होगा। वहीं ऐसी उम्मीद की जा रही है कि हज 2023 की
घोषणा के लिए आवेदन की प्रक्रिया हज कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा अगले सप्ताह तक कर दी जाएगी। बता दें कि हाजी हज यात्रा के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हज यात्रियों के पास अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट होना चाहिए जो मशीन रीडेबल हो। थानों की दयनीय स्थिति पर पटना हाई कोर्ट का संज्ञान। पटना हाई कोर्ट के एसीजे जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ के द्वारा राज्य में पुलिस स्टेशनों की दयनीय स्थिति को लेकर और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने को लेकर संज्ञान लेते हुए सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार के महाधिवक्ता पीके शाही को निर्देश देते हुए कहा गया कि वो 2-3 ऐसे आईपीएस अधिकारियों के नामों का सुझाव दे जो दूसरे भवन में पुलिस स्टेशन के लिए सरकारी भवन नहीं बन जाने तक कोर्ट और राज्य सरकार के बीच कोऑर्डिनेट का काम कर सके। बता दें कि इससे पहले भी राज्य के पुलिस स्टेशनों की स्थिति को लेकर कोर्ट में सुनवाई की जा चुकी है। उस दौरान राज्य सरकार के द्वारा वादा किया गया था कि वे स्थिति में सुधार लाएंगे, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं दिख सका। वहीं अब इस मामले पर कोर्ट के द्वारा अगली सुनवाई आज की जाएगी। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे हरसू ब्रह्म धाम के बारे में। हरसू ब्रह्म धाम कैमूर जिले में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह एक पुरातन मंदिर है। यह मंदिर कैमूर जिले में चैनपुर में स्थित है। यह मंदिर प्राचीन है। यहाँ पर हरसू ब्रह्म बाबा जी का समाधि स्थल देखने के लिए मिलता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी भूत प्रेत से पीड़ित लोग रहते हैं वह इस मंदिर में आकर प्रार्थना करते हैं तो भूत प्रेत से छुटकारा मिलता है। यहाँ पर भारत के कोने कोने से लोग आते हैं। आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर आपको श्री दुर्गा जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर निसंतान दंपति भी काफी संख्या में आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करता है और अपनी मनोकामना मांगता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। आप भी यहाँ पर आकर घूम सकते हैं। पीटी टीचर की भर्ती को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला। बिहार सरकार के द्वारा बिहार के स्कूलों में पीटी टीचर की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल बहुत जल्द ही बिहार के मिडिल स्कूलों में 6020 पीटी टीचर के खाली पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए सरकार के द्वारा राज्य के सभी जिलों से खाली पड़ी सीटों की लिस्ट मांगा गया है। बता दें कि इस दौरान स्कूलों में शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशकों के पदों पर बहाली की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में पिछले कुछ समय पहले ही पीटी टीचर के 886 खाली पदों पर भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया में 3500 अभ्यर्थी को सफल घोषित किया गया था, लेकिन इनमें केवल 2366 अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति की जा सकी थी, जिसके बाद राज्य सरकार के द्वारा बचे 1134 अभ्यर्थियों को एक बार फिर से इस बहाली प्रक्रिया के द्वारा मौका दिया जा रहा है। मगध यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति राजेंद्र प्रसाद का सरेंडर। बीते दिन मगध यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कोर्ट में खुद को आत्मसमर्पण कर दिया गया। बता दें कि इनके खिलाफ भ्रष्टाचार सहित वित्तीय अनियमितता से जुड़े कई आरोप है, जिसको लेकर एसबीयू की टीम के द्वारा 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। हालांकि इससे पहले भी 2021 में अधिक संपत्ति के मामले में इनके कई ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है। इस दौरान जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता था तो वो कभी हाजिर नहीं होते थे। इसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी गई थी उस दौरान भी वे एसबीयू के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। वहीं बीते दिन उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। बिहार के 2.64 लाख शिक्षकों के लिए 11 अरब की राशि जारी। बिहार में समग्र शिक्षा अभियान के तहत पढ़ा रहे शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के लिए खुशखबरी है। दरअसल शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार के हस्ताक्षर के बाद राज्य के 2.64 लाख शिक्षकों के लिए 11 अरब राशि जारी कर दी गई है और साथ ही इसकी औपचारिक सहमति महालेखाकार कार्यालय को भी दे दी गई है। बता दें कि जारी किए गए इस 11 अरब राशि में वित्तीय वर्ष के लिए 1 खरब 39 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं। बता दें कि यह राशि सीधे शिक्षकों के खाते में डाली जाएगी। वहीं अगर स्वीकृति की गई राशि के भुगतान में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी बिहार शिक्षा परियोजना की होगी। इस प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद के द्वारा भी अपनी सहमति दे दी गई है। दरभंगा एम्स बनने की जगह को लेकर सीएम नीतीश ने केंद्र को बताए फायदे। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के द्वारा दरभंगा एम्स के लिए प्रस्तावित जमीन को लेकर दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण से मुलाकात की और उन्हें जमीन का ब्यौरा दिया। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण को एक दस्तावेज भी सौंपा गया है, जिसमें यह बताया गया है कि जो जमीन दरभंगा एम्स के लिए चिन्हित किया गया है वह मरीजों के लिए किस तरह से लाभकारी है। बता दें कि सौंपे गए दस्तावेज में बताया गया है कि दरभंगा एम्स के लिए 150 एकड़
एकड़ जमीन ही दरभंगा के बलिया मौजा में एकमी सोबहन बाईपास के किनारे चिन्हित किया गया है, जितनी की किसी एम्स के लिए न्यूनतम जमीन चाहिए होती है। इसके साथ ही डीएमसीएच परिसर में एम्स का निर्माण नामुमकिन था, क्योंकि इसका परिसर छोटा है और साथ ही यह इलाका अति व्यस्तम भी है। वहीं अगर इसका निर्माण एकमी शोभन बाईपास के किनारे किया जाता है तो वहां से आमस दरभंगा फोरलेन से सटे होने के कारण 5 से 7 मिनट में वहां आया जा सकेगा। इसके साथ ही शहर से बाहर एम्स बनने से उन इलाकों का विकास का रास्ता भी खुलेगा। इसके अलावा यहाँ नेपाल के लोग भी अपना इलाज करवा सकेंगे। बीपीएससी 68वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा देने से पहले जान ले ये बातें। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी 68वीं की परीक्षा की शुरुआत 12 फरवरी से करवाई जा रही है। इसके लिए पूरी तैयारियां करवा ली गई है। वहीं इसके परीक्षा पद्धति में हुए बदलाव को भी लेकर नोडल ऑफिसर को आयोग के द्वारा जानकारी दे दी गई है और साथ ही इसकी विशेषता और संचालन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां के बारे में भी बताया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 324 रिक्तियों के लिए इस परीक्षा में कुल 4.34 लाख अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। वहीं इस बार परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी, यानी कि एक गलत जवाब देने पर 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। इसके अलावा इस परीक्षा में ओएमआर सीट पर व्हाइटनर या इरेजर चलाने पर भी निगेटिव मार्किंग की जाएगी। बता दें कि परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। वहीं परीक्षा खत्म होने के बाद परीक्षार्थियों के सामने ही ओएमआर सीट को सील किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा के दौरान कदाचार में पकड़े जाते हैं उन्हें 5 साल तक एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। धूप निकलने के साथ प्रदेश के कई जिलों के तापमान में हुई वृद्धि। मौसम विभाग ने आगामी 12 फरवरी तक जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर बिहार के जिलों में आसमान प्रायः साफ तथा मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 11 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। पटना समेत प्रदेश के मौसम में बदलाव जारी है। दिन में धूप निकलने के साथ पटना समेत प्रदेश के अधिसंख्य जिलों के तापमान में वृद्धि हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक सौरभ कुमार ने बताया कि अगले 5 दिनों तक प्रदेश का मौसम शुष्क बने रहने के साथ तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने से ठंड का प्रभाव कम होगा। वहीं अगले 48 घंटों के दौरान उत्तरी भागों के कुछ स्थानों पर कोहरे के प्रभाव की उम्मीद भी जताई गई है। राजधानी पटना के मरीन ड्राइव पर इस डिश का लगेगा मेला। बिहार में किसानों के द्वारा उपजाए जा रहे मोटे अनाजों को बढ़ावा मिल सके और लोगों के बीच इस तरह के अनाजों को खाने के लिए रुझान को बढ़ाया जा सके, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा 20 फरवरी से 26 फरवरी तक बिहार की राजधानी पटना के मरीन ड्राइव में एक मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मोटे अनाज से बने डिश को रखा जाएगा, जहां आम लोग जाकर उस डिश को खाकर उसका स्वाद ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मेले के आयोजन के लिए खाद्य विभाग के द्वारा मरीन ड्राइव को इसलिए चुना गया है क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में यह जगह भी एक ऐसा जगह है जहां प्रतिदिन लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। मालूम हो कि इस मेले में ज्वार, बाजरा, रागी जैसे मोटे अनाजों से जुड़े सभी डिश का स्टॉल लगाया जाएगा। वहीं इस मेले में स्टॉल लगाने के लिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटलों के साथ साथ आम लोगों को भी निमंत्रण भेजा गया है। बता दें कि आम लोग यहां निःशुल्क तरीके से स्टॉल लगा सकते हैं। रेपो रेट में की बढ़ोतरी, लोन किस्त हुआ महंगा। बीते दिन आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर यह जानकारी दी गई है कि अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के रेपो रेट में 0.25% का इजाफा कर दिया गया है, यानी कि अब लोगों को ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी और साथ ही रेपो रेट बढ़ने से विभिन्न प्रकार के लोन जैसे होम लोन, पर्सनल लोन से लेकर सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। बता दें कि पहले आरबीआई का रेपो रेट 6.25% था, लेकिन 0.25% रेपो रेट बढ़ने से अब यह बढ़कर 6.50% हो गया है। हालांकि रेपो रेट बढ़ने से अब एफडी पर ज्यादा रेट मिलेगी। बता दें कि इससे पहले रेपो रेट में दिसंबर में हुई मीटिंग में बढ़ाई गई थी, जिसे बढ़ाकर 5.90% से 6.25% किया गया था। मिली जानकारी के अनुसार गवर्नर को यह फैसला 3 वर्षों के दौरान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है। पूर्णिया से पटना आना होगा आसान, NH 31 बनेगा फोरलेन। कटिहार जिले के कुर्सेला में सड़क सुविधा के क्षेत्र में खगड़िया पूर्णिया 134.500 किलोमीटर दूरी के लंबे NH 31 को फोरलेन में परिवर्तित करने का काम को इसी साल 2023 में पूरा किया जा सकता है। बता दें कि इस फोरलेन सड़क के निर्माण में 1595 करोड़ की राशि खर्च होने का अनुमान है। मालूम हो कि इसके निर्माण की जिम्मेदारी हरियाणा के पुंज अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार अब तक खगड़िया के आगे फोरलेन बन चुका है और अब आगे खगड़िया से पूर्णिया फोरलेन का जुड़ना बाकी रह गया है। इस फोरलेन के निर्माण होने से दिल्ली से पूर्वोत्तर भारत सड़क आवागमन की सुविधा सहज और सुगम हो जाएगी और साथ ही पूर्णिया से पटना के बीच की भी दूरी काफी कम हो जाएगी। इसके अलावा NH 31 पर होने वाले सड़क दुर्घटना को भी फोरलेन के निर्माण से कम किया जा सकेगा। बिल एंड मेलिंडा
गेट्स फाउंडेशन बिहार के इन जिलों में बनाएगी अत्याधुनिक लैबोरेट्री। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा बिहार के 2 जिलों में लैबोरेट्री की स्थापना की जाएगी, जिसके बाद यहां के बच्चों में होने वाले जानलेवा बीमारी से निपटने में काफी मदद मिलेगी। बता दें कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा बिहार के जिन 2 जिलों में लैबोरेट्री की स्थापना की जा रही है उनमें पहला मुजफ्फरपुर तो वहीं दूसरा जिला नालंदा है। इसके लिए अगले कुछ दिनों में कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की टीम 3 दिन तक जिले के विभिन्न PHC में क्षेत्र भ्रमण कर मातृ शिशु स्वास्थ्य के लिए किए जा रहे कार्यों का जायजा ले रही है और यह पता कर रही है कि PHC और वेलनेस सेंटर में किस तरह मरीजों का इलाज किया जा रहा है और किस तौर तरीके को अपनाकर इलाज करने के लिए किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि आज उनके जायजे का अंतिम दिन है। मोहन भागवत के आगमन को लेकर हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 10 फरवरी को RSS के प्रमुख मोहन भागवत कुप्पा घाट के महर्षि मेही परमहंस महाराज के नए भवन का उद्घाटन के लिए भागलपुर के कुप्पा घाट बरारी आ रहे हैं। इस दौरान वे यहां कई कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। वहीं इनके सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन SSP SP समेत अन्य अधिकारियों के द्वारा चप्पे चप्पे पर पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। इसके साथ ही उनके आगमन को लेकर हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार मोहन भागवत पर नक्सली और पाकिस्तानी समर्थित ISI सहित अन्य आतंकी संगठनों का खतरा है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त पुलिस बल भी मंगाए गए हैं ताकि उनकी सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक न रह सके। इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि उन पर कैमरे की मदद से भी निगरानी रखी जा सके। पूर्णिया में 25 फरवरी को महागठबंधन की साझा रैली। बीते दिन यानी कि बुधवार को महागठबंधन के घटक दलों की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर यह ऐलान किया गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आने वाले 25 फरवरी को महागठबंधन के तमाम नेताओं के द्वारा भाजपा के खिलाफ एकजुटता से शंखनाद करने के लिए पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में एक रैली करने जा रही है, जिसमें आम सभा को संबोधित किया जाएगा। इस रैली को लेकर JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के द्वारा कहा गया है कि रंगभूमि मैदान से लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए महागठबंधन की ओर से शंखनाद किया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता डॉक्टर मदन मोहन झा का कहना है कि हम केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है, इस बार भी यही होगा, जिसका अगर पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में किया जाएगा। इसके अलावा RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का कहना है कि बिहार हमेशा बदलाव करने वाला प्रदेश रहा है, इस बार भी विपक्षी एकता की मिसाल दिखेगी। पूरे देश को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से संदेश दिया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा को मिला JDU MLC का साथ। इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं अब उन्हें JDU के विधान पार्षद रामेश्वर महतो का साथ मिल गया है। बता दें कि रामेश्वर महतो ने उपेंद्र कुशवाहा के घर जाकर उनसे मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। वहीं रामेश्वर महतो ने उपेंद्र कुशवाहा का साथ देते हुए उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच जो बयानबाजी हो रही है उसे बंद कर दोनों को साथ में बैठकर बात करना चाहिए। इसके साथ ही उमेश कुशवाहा ने जो चुनाव में न जीतने वाली औकात की बात कही है इस तरह की बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा का मामला खुद CM देख रहे हैं तो उसमें उमेश कुशवाहा को बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कई बार पार्टी को कमजोर करने और चुनाव में JDU को हराने का काम किया है। इस बारे में मैं नीतीश कुमार से मिलकर जरूर अशोक चौधरी की शिकायत करूंगा। ग्रामीण विकास विभाग मंत्री ने उपेंद्र कुशवाहा पर साधा निशाना। JDU संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा एक बार फिर निशाना साधा गया है। बता दें कि उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के राजद और JDU के बीच डील वाले बयान को लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुशवाहा जो सवाल कर रहे हैं उसके जवाब हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष, यहां तक कि मुख्यमंत्री के द्वारा भी जवाब दिया जा चुका है, और अगर फिर भी वे जिस तरह से बयान दे रहे हैं और जो बोल रहे हैं वह बिल्कुल उचित नहीं है, कहीं से उन्हें पार्टी के द्वारा समर्थन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो बैठक बुलवाया है वो JDU के द्वारा बुलाया बैठक नहीं है। JDU पहले से मजबूत हुई है, ना कि कमजोर, ये बात उन्हें भी पता होनी चाहिए। ICC रैंकिंग में भारत के इस क्रिकेटर ने लगाई लंबी छलांग। ICC के द्वारा बीते दिन यानी कि बुधवार को T20 की ताजा रैंकिंग जारी की गई, जिसमें हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल को खूब फायदा मिला। बता दें कि इस समय हार्दिक पांड्या ICC T20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर 2 ऑलराउंडर है। वहीं अगर शुभमन गिल की बात करें तो उन्हें भी जबरदस्त फायदा मिला है। जानकारी के लिए बता दें कि ICC के T20 रैंकिंग में हार्दिक पांड्या 3 स्थान के फायदे से 50वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं ऑलराउंडर्स रैंकिंग में भी हार्दिक 250 अंक के साथ दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं, जबकि साकिब अल हसन 252 अंक के साथ पहले स्थान पर है। वहीं सूर्य कुमार यादव T20 में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज है। इसके साथ ही युवा गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी 8
राजस्थान के फायदे से 13वें पायदान पर पहुंच गए हैं। बल्लेबाजी की टी20 रैंकिंग में सुमन गिल 168 स्थान की लंबी छलांग लगाकर 30वें स्थान पर पहुंच गए हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। भारत में 1931 में पहली बार किसी व्यक्ति के सम्मान में चित्र समेत डाक टिकट जारी किया गया। बीजू पटनायक 1973 में उड़ीसा की राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता चुने गए। भारतीय निर्देशक शेखर कपूर की फिल्म एलिजाबेथ 9 फरवरी 1999 को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई। भारत सरकार ने बीटी बैंगन की व्यावसायिक खेती पर 9 फरवरी 2010 को अनिश्चितकाल के लिए रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी 2009 को ताज और उसके आसपास के अवैध निर्माण पर यूपी सरकार को नोटिस दिया। भारत के मशहूर लेखक विष्णु खड़े का 9 फरवरी 1940 को जन्म हुआ। भारतीय ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी परिमार्जन नेगी को 1993 में जन्म हुआ। भारतीय राजनीतिज्ञ अब्दुल रहमान अंतुले का 9 फरवरी 1929 में जन्म हुआ। 1899 में स्वतंत्रता सेनानी बालकृष्ण चापेकर का निधन हुआ। 2008 में कुष्ठ रोगियों के देवता तथा महान सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आमटे का निधन हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे साइबर स्वच्छता केंद्र के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। ऐसी कड़ी में आज हम बात करेंगे साइबर स्वच्छता केंद्र के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि भारत सरकार ने नेटवर्क और सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले मालवेयर और बॉटनेट की जांच के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र की स्थापना की है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि हां, भारत सरकार ने नेटवर्क और सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले मालवेयर और बॉटनेट की जांच के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र की स्थापना की है। यह केंद्र @MeetIndia का हिस्सा है जिसका लक्ष्य सुरक्षित साइबर स्पेस बनाना और बॉटनेट संक्रमण की पहचान करना है। अब फोन पे से विदेशों में भी कर सकेंगे पेमेंट। अब आप फोन पे के जरिए इंटरनेशनल मर्चेंट को भी पेमेंट कर सकेंगे। बता दें कि फिनटेक मेजर फोन पे यूपीआई के जरिए एक ऐसी सुविधा लाने जा रहा है जिससे यह काम बड़े ही आसानी से किया जा सकेगा। लेकिन इसके लिए फोन पे ऐप में यूपीआई इंटरनेशनल को एक्टिव करना होगा। हालांकि इस फीचर से अभी कुछ देशों को ही ऐड किया गया है जिसमें यूएई, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल और भूटान शामिल है। फोन पे के द्वारा एक बयान में इस फीचर को लेकर कहा गया है कि यूजर्स सीधे अपने भारतीय बैंक से विदेशी मुद्रा में भुगतान करने में सक्षम होंगे, ठीक वैसे ही जैसे वे अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड के साथ करते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विपिन वर्मा, अतीक खान, अनवर करीम खान, पुष्पिंद्र राय, कविता कुमारी, जीवनाथ मंडल, मृत्युंजय कुमार, महमूद अंसारी, अनमोल कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, उमेश ऋषिदेव, मोटू रंगीला, मंटू कुमार, कुमार अमरजीत आर्या, सिफोन कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार राज्य में मोटे अनाज को बढ़ावा मिल सके इसके लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।